तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। 2 घंटे 26 मिनट बचे हैं, लेकिन इस बीच उनके मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ हो गई है। विभागों को लेकर कयास लगाने का दौर जारी है, लेकिन जिनको कॉल आया, चाय का न्योता आया, वो काफी खुश है। पंजाब की बात करें, बीजेपी को यूं तो एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन मोदी 3.0 में पंजाब से 2 चेहरे नजर आएंगे। पिछली सरकार में पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्रालय देख रहे हरदीप सिंह पुरी इस बार फिर से कैबिनेट में शामिल होंगे। हरदीप सिंह पुरी के साथ ही लुधियाना से चुनाव लड़े रवनीत सिंह बिट्टू को भी कैबिनेट में जगह मिल रही है। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा रही है। इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर रवनीत सिंह बिट्टू की आपको दिखाते हैं। आज जब रवनीत सिंह बिट्टू को प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया था तो वो लेट हो रहे थे। रवनीत सिंह बिट्टू भाग कर पहुंचे और उसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई है। ये देखिए आप तस्वीरें। चलिए, न्योता देर से आया। आपको बता दें कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, लुधियाना से हार गए, लेकिन पंजाब को साधना चाहती है बीजेपी। और जिस तरह से पंजाब में दो ऐसे चेहरे भी चुनकर आए हैं जो देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा सबब नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग अपने मंत्रिमंडल में भी पंजाब से चेहरों को, 6 चेहरों को शामिल करके यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा विभाग यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू को मिलता है। बिल्कुल, देखिए मोदी मंत्रिमंडल में रवनीत सिंह बिट्टू को भी जगह मिल रही है। आज शाम रवनीत सिंह बिट्टू मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लुधियाना से चुनाव हारने के बावजूद रवनीत सिंह बिट्टू ने को मंत्री बनाया जा रहा है और इसको लेकर वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार जता रहे हैं। सर, क्या फोन आया था और किस तरह से चीजें एकदम बदल गई? देखो, बात ये है भी मुझे कल 8 बजे जो है वो टेलीफोन आया था, भी आपने सुबह 9 बजे अमित शाह जी के घर पे आना है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता था। उसके बाद ये बताया गया भी वहां पे 11:30 आपने पीएम रेजिडेंस पे पहुंचना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता था। तो अब वहां पे जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी सारा मौका दिया भी आप लोगों ने शब्द लेनी है, तो यही हुआ, वहां से मैं आपके सामने हूँ। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, आप भी उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए थे, उसके बावजूद भी ये सम्मान, इसको कैसे आप देखते? देखो, बीजेपी को कामयाबी ना मिलना जीत की अलग बात है, लेकिन हम 23 विधानसभा जीते और 19% वोट शेयर ले आए। अकाली दल हमारे से बहुत नीचे है, जो हम जिसके हम पार्टनर हुआ करते थे, आज हम उससे ऊपर हैं। तो 27 की जो तैयारी है वो दिशा में पंजाब चल पड़ा है। और एक बात ये जो आपने पूछा है भी, ये बड़ी बात है मोदी साहब की, नड्डा साहब की, अमित शाह जी की, जो एमपी ना होते भी पंजाब में फिर भी उन्होंने पंजाब को प्रायोरिटी दी, पंजाब को मिनिस्ट्री दी, क्योंकि वो पंजाब से और पंजाब के लोगों को प्यार करते हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा आपसे जब आज मुलाकात हुई, क्या चीजें रही? नहीं, सिर्फ वही भाई, अब पंजाब में आपने घूमना है, पंजाबियों को किस तरीके से खुश करना है, किस तरीके से उनकी उनकी खुशी बहाल करनी है,